तो भैया अपनी तैयारी में लगी हुई है, आप सबको पता है कि उसकी अलग ही एक्साइटमेंट है एनुअल फंक्शन के लिए, उन्हें अभी आधे घंटे से निकलना है। आज पराठा खाने का मन था तो आज लंच में ये खा रही। अरे प्लीज मत करो, अच्छा निकल क्यों नहीं रहा? एक तो कर रही हूँ, हाथ काफ रहे, देखो फ्रेंड। चलो आग बंद करो, आग बंद करो। ना, ना, तुमने कल मेरे केक लगाया था ना, अब बदला। बिल्कुल नहीं, मुझे दिख गया। बदला ले रहा था। अरे अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। नहीं लगाया। देखो मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। वेट टिश्यू दो, वेट टिश्यू नॉर्मल टिश्यू दो। ये ले, बनाना भी रख लो रेजा, इतना नहीं चाहिए। तुम रख लो रेजा, अलग कोई स्पोर्ट्स करने जा रहे फ्रेंड्स। पता है प्री प्राइमरी और इनका सबका साथ में हो रहा है तो बहुत भीड़ होगी। मुझे तो लग रहा है कि पेरेंट्स अभी 3 बजे से वहीं पर लाइन लगा लेंगे। वीआईपी कार्ड है, तुम एकदम लास्ट में पहुंचो कि आगे बैठा लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपको बता दो, कोई हमें स्पेशल वीआईपी कार्ड इसलिए नहीं मिला है कि हम ये रिजा है या ये सभा है या ऐसा कुछ है। वीआईपी कार्ड क्यों दिया? म्यूजिक, मतलब जिसने ज्यादा पार्टिसिपेट किया उसको मिला है, तो रिजा की बदौलत हम लोगों को शायद आगे बैठने मिल जाए। ये आप चम्मच की दुकान लगा के क्यों बैठी हो? भाभी ने भेजे ऊपर से। 7th फ्लोर पे चम्मच नहीं है भैया। और वो किसने लिए? ये मैंने। चलो हाँ, तो कहाँ रखे तुमने? ये रखे हैं। बैग में लेके जाओगी? हाँ, बड़ा बैग है। अरे बैग का पूरा फायदा उठाते हो। पहले वीआईपी दिखाना, आ जाना ना। हाँ नहीं, अब आ जाना। राजा साहब अगर अच्छे से किया नहीं ना तो देख रहा। चलो फ्रेंड, बच्चे लोग चले गए, अभी हम चलते अपना ब्लॉग एडिट करेंगे। 5:45 हो गया है, हमें 6 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है, बस चाय पी लें और निकलते हैं। सब लोग बस निकलने लगे हैं, 6 बज चुका है। अम्मी ने माशाल्लाह आज फ्रॉक पहनी हुई है और ये बेटी आ रहा है। पहले अम्मी नहीं जा रही थी लेकिन रेहान की बहुत ज्यादा तमन्ना थी कि अब आप आना, तो फिर अम्मी को भी रेडी कर लिया है। कभी किसी बात पे निराश मत होना, ये संघर्ष तो चलता रहेगा, अंदाज मत खोना। देखो तो बुला रिजा, oh my colors, wherever you go you fill each space with it, you are my strength. Why, oh why did we forget this Khan? I regret our negligence, but now I command each one of you, go one by one to the sky and design a grand spectacle for our dear friend. Create amazing colorful shows. The sky does a... कुछ नहीं है, कुछ नहीं बाबू, मैं अंदर आ गई हूँ, मैं फिर करती हूँ एडिट करके, मुझे लेट हो रहा है। लगता है सही ने कुछ ऑर्डर किया होगा और वो मेरे साथ फोन पे था कि तुम घर पहुंचो, और अगर दरवाजे के बाहर कुछ नहीं मिला होने का, कुछ नहीं मिला। खैर फ्रेंड्स, मुझे एडिट करना है इसलिए लास्ट का फंक्शन बचा है, फिर मैं आ गई हूँ कि मैंने काफी दिनों से ब्लॉग नहीं डाला तो मैं एडिट करके अभी डालूंगी। आगे ये कहाँ रखा था? ऊपर 2nd फ्लोर पे। तो वो वहाँ कैसे गया? बेचारे सनी ने आज ही हमें सरप्राइज दे दिया। अभी किस चीज का ये भी मुझे नहीं पता कि एनिवर्सरी का है कि और क्या हुआ है, 3 मिलियन का है। आज क्या है? रोज डे है। अच्छा, रोज डे। अच्छा वो स्टार्ट हो गया कि रोज डे, डेली डे दे आ रहे हैं। हाँ, 14 फरवरी को। सब तो सब भूल जाते, पहले सब चीजों का बहुत क्रेज रहता था, अब तो किसी को ध्यान नहीं रहता है। रैबिट, थैंक यू। अब ये लिखा है ना, अब ये नहीं पढ़ सकती है। उसने तो पढ़ी सकता हूँ, एक गंदी बात है, किसी का कुछ ऐसे नहीं पढ़ते। जिसने टाइप किया होगा वो क्या सोच रहा है? जो भी जिसने भी दिया है ये बहुत अच्छा है। ये तो अलग जगह से आया है, ये सनी ने भेजा है। ये जो केक आया है ये आया है हुमैरा की तरफ से, जिसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया था, चिकन ANS चिकनकारी जो पेज है उसकी तरफ से आया है। 3 मिलियन YouTube फैमिली, ये क्या है? सनी को वीडियो कॉल करते थे। दो दो क्यों किए? क्योंकि
रोज डे भी था और रिलीज तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने दो दो कर दी। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। मैं परेशान हो गया, पता मुझे लगा पता नहीं कहाँ चलेगा। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब। फ्रेंड्स हम लोगों ने सनी को नहीं बताया, जैसे रेहान ने उसे निकालने की कोशिश की ना तो ये निकल गया। कोई बात नहीं, हम इनको निकाल के पानी में डाल देंगे। लेकिन हुआ तो मेरे हाथों से। तो क्या हुआ, जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। ऐसे मैंने कभी भी अपने बच्चों को, अच्छा हाँ बच्चे से ये बात आई, हर बात से कोई बात निकलती है तो मैं सोचती हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू मैं किसी को, शायद कोई बच्चे को अगर किसी बात पे डांट पड़ती हो तो उस बात पे डांट पड़ना बंद हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों से कभी कभी गलतियां हो जाती है, कभी बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं और कभी कभी पेरेंट्स जो है वो एकदम झुंझला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों में कभी नहीं डांटना चाहिए। ये जो पॉट आया था ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, सनी ने भेजा था। अब रेहान ने उसे एक्साइटमेंट निकालने की कोशिश करी और वो टूट गया, तो उसकी गलती नहीं है। कोई भी इंसान जानबूझ के कोई नुकसान नहीं करना चाहता है, तो इस तरह से अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। बच्चे से अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसे माफ कर देना चाहिए। मेरा मन आज सिर्फ दाल खिचड़ी खाने का हो रहा था तो सनी भाई ने ऑर्डर किए। हाँ प्यारे से फ्लावर्स से है तो हमने सोचा इनके साथ फोटो भी ले लेते हैं। प्यारे फ्लावर्स नहीं है, प्यारी वो चॉकलेट है। इसकी नजर पर रुपए के शालों पे जल्दी से फोटो क्लिक करें और मैं ये हमारी क्या करूँ हटाऊ। ये था फ्रेंड्स आज का मेरा फुल आउटफिट। ये जो टॉप है ये हमने लिया था मार्क एंड स्पेंसर से, हमने ये पहन लिया था आज। अरे दाल खिचड़ी के साथ गुलाब जामुन भी आए हैं। मैं गुलाब जामुन और कटोरी में ले लेता। हाय फ्रेंड्स अस्सलामुअलैकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं मार्केट। इन लोगों के जो चश्मे बनने दिए थे वो उठाने भी जाना है और हमें भी थोड़ा काम है, तो उसी सिलसिले में हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। आपको अगर याद होगा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मौदा हमें एक शादी है उसके लिए हमने अर्जेंट में जमील भाई से कपड़े सिलाए लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे, तो ये सारे के सारे कपड़े ऐसे ही रह गए। अभी मैंने निकाले हैं और इनके दुपट्टे नहीं है किसी किसी के, तो हम अभी दुपट्टे लेने जा रहे हैं। बेटी खाला ने ये सेट बना के दे दिया, इसमें मैचिंग करके कह रही है मैच कर अंदर डाल दो, जोर से डाल दो, लग ना जाए कांच। नहीं कांच नहीं है, मैटर है। अच्छा बंद कर लो दरवाजा, अल्लाह हाफिज़ जा रहे हैं। चलिए निकलते हैं और साथ में जा रही है अम्मी, मेरी साथी अम्मी। माशाल्लाह सूट बहुत अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटों बड़ों को प्यार भरा अम्मी का सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। पूरे नंबर एक एक गिन लो, बचाने में नंबर इतने दिख रहा है तो ऐसे में देखो तो। हाँ इसीलिए तो अच्छा होता है चश्मा। अब सुकून मिला, नाइट सूट पहन के आराम से अब चलते हैं। थोड़ी देर भाई अभी से मिल के आते हैं, उनको थैंक यू कह के आते हैं क्योंकि उन्होंने हमें केक और फ्लावर दिया है। केक और फ्लावर्स के लिए थैंक यू। और बहुत 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 मुबारक। ऐसे मैं हमेशा कहती थी कि आप सब नहीं होते, आप दोनों नहीं होते तो मेरे 3 मिलियन भी नहीं होते। शुरुआत आप सबकी हेल्प से हुई थी, थैंक यू। हाँ करो आप तो कैसे ऐसे। हाँ ऐसे करे okay. जबकि ये भी अभी ये भी गलत है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना भाई वो वन पे करते हैं ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। चलो प्यार रखो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स इतना सारा प्यार, इतने सारे केक्स, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा बैठ के केक कट कर लेते हैं। भाई अभी को भेजना भी है। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ईट्स एंड ट्रीट्स बाय खदीजा, ये तब का फोटो है जब हमारा गोल्डन बटन आया था। हम थैंक यू सो मच लॉस्ट इन क्लोज़ेट, इतना काट के उनके लिए भेज देते हैं। और ये हमने केक कटिंग भी कर ली है, देखियो। अभी हम कर रहे हैं डिनर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले खाएंगे चावल से हमारे फेवरेट बैगन और उसके बाद भाभी ने बनाई है बाटिया और दाल। डिनर करके आपसे मिलते हैं। इतने सारे केक्स आए थे फ्रेंड्स लेकिन खुद खाने का मौका ही नहीं मिला। अब मन कर रहा है थोड़ा सा खाने का तो मैंने ये वाले ले लिए हैं, बाकी हमने आसपास के अपने पहचान में बांट दिए हैं और जो कुछ रखे हैं तो वो हाउस हेल्प में जो भी आते हैं सबको दे देंगे। और अभी पीते हैं ग्रीन टी। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी जो मैंने बनवाए थे, जो मैं नहीं पहन पाई थी और मुझे उनके दुपट्टे लेने थे, तो आज हम गए थे भगवान कलेक्शन, वहां से मैं दुपट्टे लेके आई हूँ। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ और बहुत बुरा स्टक हो गई हूँ कि मैं दुपट्टा कौन सा मिलाऊं। कि वेलवेट का ब्लैक दुपट्टा लिया है, 3 कलर का बनवाना था, तो वो 3 कलर के बनाने के चक्कर में हमें इसमें से कुछ ग्रीन चाहिए था, ग्रीन नहीं मिला, तो हमने एक सूट खरीदा जिसका दुपट्टा ये हम यूज कर सके। मसला ये है कि अब घर आके ये लोग कह रहे हैं कि ग्रीन मैच नहीं कर रहा है, कह रहे हैं और भी ऑप्शन देख लो, और भी ऑप्शन देख लो। ये बेचारी अपने सारे दुपट्टे निकाल के बैठी है, अब मम्मी कह रही है ये वाला ओढ़ लो। हाँ वैसे ये भी जा रहा है, ये तो सबसे अच्छा जा रहा है। फ्रेंड्स आपका जो वोट होगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो हम इन तीनों को नंबर दे देते हैं। आपको बताना है दुपट्टा नंबर 1, दुपट्टा नंबर 2
ये अम्मी वाला अच्छे से देख लो, दुपट्टा नंबर 3। अब इस ड्रेस का जो लुक है और मेरा जो लुक है उस दिन, वो आपके वोट पे निर्भर करता है। तो आपको बिल्कुल सही बताना है कौन सा अच्छा लगेगा, दिल से बताना अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि सब अच्छी लगे। हमेशा 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 हेल्प करने के लिए। 3-4 फंक्शन थे ना, थे 3-4 आउटफिट बना लिए थे। अब पता नहीं हम ये आउटफिट पहन के कहाँ जाएंगे। हमने भगवान कलेक्शन से लिया था और इस पे ना ये प्लेन वाला मैचिंग का मिल गया था हमको, स्ट्रेचेबल वाला ये ले लिया था। और ये जमील भाई से स्टिच कराया था एकदम फुल स्लीव्स। और ये देखो उन्होंने पैटर्न बना दिया है इसका, फूल काट के ना इस पे देखिए ऐसा लगा दिया, ऐसा लग रहा है एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और दुपट्टा हमें आज ये ही मिला है, लेकिन ठीक है मैच कर रहा है ना। वाला हमने बनवाया था हल्दी के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका हमने ना स्कर्ट नहीं बनवाया था, इसका वो लूज वाला जो प्लाजो होता है शरारा टाइप वो बनवाया था। और एकदम शॉर्ट वाली इसकी कुर्ती बनवाई थी, ऐसा मल्टी कलर दुपट्टा चाहिए था, बॉर्डर लगवा लिया था। और ये वाला आउटफिट है, ये कैसा लग रहा है आप बताइएगा। जिसकी भी हल्दी होने वाली है मुझे बुलाओ, मुझे पहन के आना है, मुझे ये कपड़े पहनना है, मुझे पहनना है। ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ना शादी के 15 साल बाद 20 साल बाद फिर से शादी होती है। हाँ। ऐसे तुम दोनों कर लो, फिर कुछ सालों बाद तो और भी लोगों की होगी। सुन गई कलेक्शन।